तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एडिट्स में। आप देख रहे हैं एस एडिट्स। तो गाइज़ आज की वीडियो हम कुछ खास करने वाले हैं, जो कि आज मैं बताने वाला हूँ आपको। जो गाइज़ जो भी एडिटिंग करते हैं उन्हें पता तो होगा लाइट रूम के बारे में, उसके बारे में, उसके अंदर जो फीचर है लाइट रूम मिक्स टूल के बारे में तो पता होगा, और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो गाइज़ मैं जिन लोगों को पता नहीं होगा उनको आज मैं बताने वाला हूँ कि आप लाइट रूम मिक्स टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ लाइट रूम मिक्स टूल बहुत ही ईजी है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज़ जो नहीं जानते ना लाइट रूम मिक्स टूल को, वो ही वीडियो को पूरा देखना, एंड जो जानते हैं वो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें कुछ बढ़िया बात भी बताने वाला हूँ मैं। तो बस बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो को कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो बस हम चलते हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं हम। हमने यहाँ पर अपना फ़ोटो भी यहाँ ले लिया है। एंड गाइज मैं आज आपको लाइट रूम मिक्स टूल बताऊंगा कि लाइट रूम मिक्स टूल है क्या। और गाइज इसमें एक चीज़ और बताऊंगा मैं सिलेक्टिव टूल्स के बारे में, तो वो है क्या। तो गाइज आज की वीडियो में ये ही बताने वाला हूँ, तो गाइज वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो गाइज लाइट रूम मिक्स टूल है क्या, तो गाइज लाइट रूम मिक्स टूल जो है ना, ये लाइट वाला ऑप्शन जो है एक्सपोजर वाला, इसके नीचे वाला है जस्ट। एंड यहाँ पर आपको कस्टम करना है, कस्टम करके आपका ज़्यादा बढ़िया फोटो बनता है। एंड मिक्स जो आपको ऊपर लग रहा है, यहाँ मिक्स पर आ जाना है। तो गाइज ये जो टूल है ना, ये इसी पे डिपेंड करता है टूल पर। तो गाइज़ आप सब देखो, पहले ये रेड कलर है ना, तो गाइज़ आपको रेड की ह्यू कम कर देंगे, एंड रेड की ह्यू कम हो चुकी है आप सब देख सकते हैं। एंड लिप्स भी ब्लैक हो चुके हैं, जो सैचुरेशन कम कर दी। एंड गाइज सैचुरेशन हम इंक्रीज़ करेंगे प्लस में। तो गाइज़ इस पे देख लेना आप कितना इफेक्ट पड़ता है शर्ट पर। तो गाइज़ ये इसमें हम क्या करते हैं, इसका हम सैचुरेशन थोड़ी सी यहाँ रखेंगे, ज़्यादा नहीं। एंड आपको आ जाना ऑरेंज वाले में, एंड रेड में आप क्या आके आपको देखना है ह्यू को। तो गाइस ह्यू में भी आपकी शर्ट बदल रही है, शर्ट का कलर चेंज हो रहा है। तो गाइस आप इधर रखते हैं तो आपकी शर्ट येलो रंग की हो जाती है, एंड यहाँ पे आपकी रेड, एंड यहाँ पे आपकी पर्पल हो जाती है, एंड पिंक, डार्क पिंक। एंड गाइस आपको इसे भी बीच में रखना है, ज़्यादा नहीं। एंड अब आपको आ जाना है गाइस ऑरेंज वाले में। तो गाइस ऑरेंज वाले में आ जाना है। तो गाइस ये क्या हो गया भाई, क्या चल गया, सॉरी गाइस। तो गाइज़ आपको आ जाना है यहाँ पर येलो में, येलो में नहीं ऑरेंज में, जो कि गाइज़ फेस का कलर है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एंड उसके आपको लुमिनेंस कम करके, मतलब सैचुरेशन कम करके लुमिनेंस बढ़ानी, जिससे हमारे फेस पर ब्राइटनेस आती है गाइज। ओके गाइज, और अब आपको आ जाना है येलो में। तो गाइज़ येलो को क्या करता है, जो गाइज अगर आपके पिक्चर में येलो कलर है तो उसमें बहुत ही बढ़िया डिपेंड करेगा। जैसे कि गाइज में ग्रीन है, तो गाइज मैं इधर कर दूँ तो ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, एंड इधर कर दूँ येलो हो जाएगा थोड़ा सा। एंड इसकी सैचुरेशन को हम बढ़ाएंगे, तो गाइस इसमें थोड़ी सी सैचुरेशन आ चुकी है पहले से ज़्यादा, एंड आप सब देख सकते हैं। एंड यहाँ लुमिनेंस को हम यहाँ कम करेंगे तो गाइस यहाँ डार्क हो जाएगा, एंड लुमिनेंस ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे हल्का आ जाएगा। तो गाइस हम लुमिनेंस को कम रहने देते हैं, एंड ग्रीन में आ जाते हैं। ग्रीन में आपको ये करना है गाइस, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन लीव्स दिख रही है ना पेड़ की, इसको आपको पीछे की तरफ करेंगे तो गाइस ये येलो हो जाएगा कुछ, एंड यहाँ करेंगे तो गाइस ये बिल्कुल ही डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो गाइस हम इसे इस जगह पर रहने देते हैं, एंड सैचुरेशन आप सब देख सकते हैं। अब अगर आप सैचुरेशन इंक्रीज़ करेंगे तो इसमें येलो में थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया टोन आ रही है, तो गाइज़ हम सैचुरेशन इंक्रीज़ रहने देते हैं। एंड लुमिनेंस को इसकी कम करेंगे थोड़ी सी, तो गाइज़ आप सब देख सकते हैं यहाँ डार्कनेस आ रही है, एंड यहाँ पे हम करेंगे तो गाइज़ लाइटनेस आ रही है। तो गाइज़ हमें थोड़ी डार्कनेस चाहिए फ़ोटो में, तो यहाँ पर आ जाते हैं गाइज़ ये टील कलर। तो गाइज़ हमारे यहाँ पर मतलब फ़ोटो में टील कलर है नहीं, तो गाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो गाइज़ यहाँ पर आप जाना है ब्लू को, ब्लू गाइज स्काई कलर को चेंज करता है। एंड आपको आप देखना गाइज आप इधर आ जाते हैं, तो गाइज आपके चश्मे में एंड टी शर्ट में भी ये कलर है, तो यहाँ पे आपके थोड़ा सा कुछ ये पर्पल हो जाता है। एंड यहाँ पे जाएंगे तो गाइज ये हो जाता है टील कलर, जो कि हमारे फ़ोटो के लिए बिल्कुल बेस्ट लग रहा है। तो गाइज हम इसे यहीं रहने देंगे। ओके गाइज, और गाइज आपको सैचुरेशन में आना है, सैचुरेशन आपको इंक्रीज़ करनी है। ये आपको देख लेना आपकी सैचुरेशन कहाँ बढ़िया लग रही है, एंड इसकी सैचुरेशन इंक्रीज़ रहने देंगे, क्योंकि टील कलर बहुत ही बढ़िया लगता है फ़ोटो में। एंड लुमिनेंस को तो आप जानते होंगे हल्का मतलब डार्क एंड लाइट करता है, तो हम गाइस डार्क रखेंगे थोड़ा सा। एंड अब आपको जाना है गाइस पर्पल टूल में, तो गाइस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो गाइस इसमें कलर नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है, ना ही इसमें इस पिंक का कोई काम है जिसको कलर नहीं होता। ओके गाइस, एंड गाइस हम यहाँ से डन करेंगे। तो गाइस इसमें मिक्स टूल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, तो गाइस इसे थोड़ा सा फ़ोटो को रिटच कर देते हैं हम। तो गाइज़ हमने लाइट रूम के मतलब लाइट रूम के मिक्स टूल के बारे में तो आपको बता दिया, एंड इसके अदर्स टूल को भी मैं आपके साथ थोड़ा सा मतलब बताने
चर्चा करने वाला हूँ। तो गाइज आपको मैं बताने वाला था गाइज ये सिलेक्टिव टूल्स के बारे में। सिलेक्टिव टूल्स में आपको प्लस के आइकन पर जाना है, एंड ब्रश का मिल जाता है, सिलेक्ट का मिल जाता है, एंड क्रिएट का मिल जाता है। तो हम गाइज ब्रश पर जाएंगे पहले, एंड गाइज आपको नीचे से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ब्रश मार देना है, कहीं भी मारना है, एंड जहाँ से आपको कर सकते हैं हम यहाँ मार देते हैं। एंड यहाँ पर देखो गाइज एक्सपोजर का है, लाइट मतलब ये कलर का आ जाएगा, यहाँ टेम्परेचर, टिंट, सैचुरेशन, यहाँ विकनेट, डीहेस क्लैरिटी आ जाएगी, यहाँ पे शार्पनिंग नॉइज आ जाएगी। गाइज बहुत सारे फीचर्स हैं गाइज, हम इसका एक्सपोजर यहाँ से कम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ कम हो जाएगा, एंड कॉन्ट्रास्ट यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ जैसे कि आप सब जानते हैं सेलेक्टेड रूल्स, बहुत सारे लोग तो वो चलाते ही होंगे स्नैपशीट को, तो वहाँ पर सेलेक्टेड रूल्स दिया रहता है। एंड गाइज में थोड़ी सी एडिटिंग और करेंगे हम, तो गाइज हम इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे क्लैरिटी वाले में, तो इसकी क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही, एंड इसकी विग्नेट्स को थोड़ा कम कर देंगे, जिससे कि हमारे फोटो में एक रियल लुक आता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। एंड गाइज शार्पनिंग वाले टूल में जो कि बहुत ही बढ़िया होता है, ओके गाइज शार्पनिंग के टूल में गाइज का शार्पनिंग थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। एंड गाइज अब आपने देखो गाइज हमारी फोटो में थोड़ी सी फटा आ रहा है, एंड नॉइज़ आ रही है थोड़ी सी झिलमिल सी, तो गाइज उसको ख़त्म करने के लिए आपको नॉइस रिडक्शन को आगे करना होता है, इंक्रीज़ करना होता है। तो गाइज नॉइस रिडक्शन इंक्रीज़ करेंगे ना गाइज आप, तो आपकी फ़ोटो में स्मूथनेस आ जाएगी बहुत बढ़िया वाली। तो गाइज हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, स्मूथनेस आ जाती है, एंड यहाँ से कलर्स नॉइस रिडक्शन को भी आपको इंक्रीज़ करना होता है, एंड स्मूथनेस को भी आपको इंक्रीज़ करना होता है। तो गाइज हमने ये आपको तीन टूल के बारे में बता दिया, एंड चौथा टूल जो है गाइज ये लाइट वाला है। तो लाइट वाले में आपको इसका एक्सपोजर बढ़ाना या हल्का करना दिख जाता है। एंड गाइज इसका हम वही रखेंगे, इसका जीरो ही रख देते हैं, जो है फोटो का। एंड कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा ही ज़्यादा नहीं, एंड इसकी हाइलाइट्स को थोड़ा बढ़ाएंगे, एंड शेडो को कम करेंगे, वाइट्स को बढ़ाएंगे, ब्लैक्स को बढ़ा देंगे। तो आज हमारी फ़ोटो हो चुकी है एकदम मिक्स टूल, एंड मैंने अदर्स टूल के बारे में आपको बता दिया है। तो गाइस वीडियो काफ़ी अच्छी हो गई है, एंड काफ़ी बड़ी नहीं हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 7 मिनट की हुई है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ना गाइस आपको तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और गाइस ये भी बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही नोटिफिकेशन एंड मतलब मोटिवेशन मिलता है कि गाइस मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने हैं, मैं उनके लिए कुछ काम करूं। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर दबा लेना, और जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइस वीडियो यहीं तक ही थी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।